हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों सब लोग? दिस इज सीए कल्पक बांगड़ और आज है हमारा सेकंड लेक्चर ऑन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि हम सीएसईईटी के लिए पढ़ रहे हैं। आई नो आज सेकंड डे है जब आप मुझे देख नहीं पा रहे हो। आई प्रॉमिस यू कल का एक लास्ट डे और परसों से आई विल बी लाइव विथ यू। ओके, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज एंड बिकॉज आई एम नॉट एट द राइट प्लेस राइट नाउ, सो इस रीजन की वजह से आई हैव टू सेंड दीज रिकॉर्डेड वीडियोज और हम लोग अभी सिर्फ मेरे वीडियोज प्रीमियर कर रहे हैं। आज और कल का दिन प्लीज बेयर विथ मी एंड देन वी विल मूव अहेड। ठीक है, सो कल हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? कल हम लोगों ने देखा था बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन। पे तो बहुत आगे जाना है। कल हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई शुरू किया था, एक सिंपल चैप्टर जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसमें हमने पहली चीज देखी डिमांड। डिमांड में हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें देखी। डिमांड तब मानी जाएगी जब आप कुछ खरीदना चाहते हो और उसे खरीदने के लिए जो प्राइस है वो पे करने की आपकी विलिंगनेस यानी इच्छा होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज कोई चीज पसंद है हम खरीद लेंगे ऐसा नहीं है, समझा? विलिंगनेस खरीदने के लिए नहीं बोल रहे ये लोग, विलिंगनेस टू पे दैट प्राइस इवन व्हेन यू हैव द मनी। ओके, सो डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की तब मानी जाएगी जब लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा भी रखते हैं और जो प्राइस है उस प्रोडक्ट की वो प्राइस पे करने की उनकी तैयारी है। ओके, तो अगर मैं ये डिसाइड करना चाहता हूं कि मैं एक मोबाइल फोन कितने बेच पाऊंगा, मैं एक मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी हूं और मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं कितने मोबाइल फोन बेच पाऊंगा, तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये देखना पड़ेगा कि सच में मेरा मोबाइल फोन कितने लोग खरीदना चाहते हैं। सर, खरीदना बहुत लोग चाहते हैं, जैसे आईफोन, बहुत लोग आईफोन खरीदना चाहते हैं। उसमें से कितने लोग आईफोन की प्राइस पे करने के लिए रेडी है? बस जितने लोग खरीदना भी चाहते हैं और प्राइस पे करना भी चाहते हैं वो लोग क्या है, वही लोग हमारे लिए डिमांड है। फिर हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें रिलेशन बताता है दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स के बीच में। लॉ ऑफ डिमांड हमें रिलेशन बताता है बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। ओके, क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। ओके, तो दे से दिस लॉ सेज दैट डिमांड इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन प्राइस, सो वेन एवर द प्राइस विल चेंज देर विल बी अ चेंज इन करस्पॉन्डिंग चेंज इन डिमांड, पॉइंट नंबर वन। एंड वेन एवर द प्राइस विल चेंज इन वन डायरेक्शन डिमांड विल चेंज इन द अदर डायरेक्शन, पॉइंट नंबर टू। तो दो इंपॉर्टेंट चीज है। सर, क्या डिमांड सिर्फ प्राइस पे डिपेंड है? नहीं, डिमांड सिर्फ प्राइस पे डिपेंडेंट नहीं है। देर आर सेवरल अदर फैक्टर्स जिस पे डिमांड पर डिपेंड करती है, जैसे इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, पैशन, नेसेसिटी। ठीक है, ये सब चीजों के लिए के ऊपर भी डिमांड डिपेंड करती है, बट सब में ज्यादा जो जरूरी चीज है डिमांड के लिए दैट इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। फिर हमने देखा फंक्शनल रिलेशन कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, इसको ऐसे पढ़ते हैं। मैंने ये भी बताया था, मैंने ये भी बोला था कि डिमांड एक इंडिपेंडेंट, सॉरी, डिमांड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट मतलब डिमांड डिपेंड करता है प्राइस के चेंजेस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब हो गया। ओके, जैसे जैसे भाव कम होगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ने लग जाएगी। अब आप ये एग्जाम्पल लो, आपके चार पांच फ्रेंड्स है, उनमें से आपको कौन अच्छा लगता है जो कम भाव खाता है? अगर आपका एक फ्रेंड ऐसा है जिसे आप 10 बार फोन करो तब जाके वो कन्विंस होता है किसी भी प्लान में आने के लिए, तो आप उसको ज्यादा भाव नहीं दोगे। मतलब जब वो ज्यादा भाव खा रहा है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, हम उसे हर जगह बुलाएंगे ही नहीं। वैसे कमोडिटीज के लिए, मैं मार्केट में कुछ खरीदने जाता हूँ, मैं मार्केट में कुछ खरीदने जा रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली आई एम अ रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या होता है बच्चों? रैशनल कंज्यूमर का मतलब होता है मैं बहुत लॉजिकल डिसीजंस लेता हूँ, सोच समझ कर डिसीजन लेता हूँ। तो मुझे एक कमोडिटी खरीदनी है, अगर उसकी प्राइस 70 रुपीज चालू है तो मैं जितना खरीद रहा हूँ 60 रुपीज पे ज्यादा खरीदूंगा। व्हेन द प्राइस इज गोइंग डाउन आई विल बाय मोर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, तो जिसकी प्राइस कम उसकी डिमांड ज्यादा। फिर हमने डिमांड कर्व देखा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व शोज एन इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मतलब एक जब आगे जाता है तो दूसरा पीछे आता है, दे बोथ गो इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर हमने कुछ अजम्पशंस देखे। लॉ ऑफ डिमांड लेते वक्त
या लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ते वक्त उन्होंने बोला कि हम डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशन देखने वाले हैं, डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशन देखने वाले हैं, तो यहाँ पे सिर्फ प्राइस और डिमांड ही वेरिएबल रहेंगे, प्राइस और डिमांड ही वेरिएबल रहेंगे, बाकी सब कॉन्स्टेंट रहेगा। सेटरिस पैरिबस की बाकी सब कॉन्स्टेंट रखते हुए हम लोग अगर देखेंगे गौर से तो प्राइसेस चेंज होंगी तो डिमांड चेंज होगी, ओनली टू थिंग्स विल चेंज, कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होगी क्योंकि इनकम बढ़ गई तो नेचुरली डिमांड बढ़ जाती है चीजों की, इवन इफ द प्राइसेस डोंट चेंज। कंज्यूमर के चॉइसेस या प्रेफरेंसेस चेंज नहीं हुए, कंज्यूमर की अगर टेस्ट चेंज हो गई तो आज जिस चीज को वो खरीद रहा है कल उसे नहीं खरीदेगा, इवन दो उस चीज की प्राइस चेंज नहीं हुई है तो भी कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा अगर उसकी टेस्ट चेंज हो गई तो। ठीक है ना, फैशन चेंज हुआ है, जो सबको चाहिए था कल आज भी वही डिमांड में है तो फैशन भी चेंज नहीं हुआ है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज नहीं हुए हैं, मैंने यहाँ पे आप लोगों को दो रिलेटेड गुड्स बताए थे, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, याद रखना। सब्स्टिट्यूट्स मतलब जो इसके अलावा यूज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूँ एक फोन, प्लीज ध्यान दो, यही मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था, बस मैं रिवाइज कर रहा हूँ इसीलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मैं लेना चाहता हूँ एक फोन जिसकी कीमत है 90,000 रुपीज, ठीक है, और उसके लिए जो ऑप्शन है सेकेंड फोन, ये दूसरा ऑप्शन है, मैं ये भी ले सकता हूँ, इसकी कीमत है 75,000 रुपीज। वैसे तो ब्रांड वैल्यू की वजह से मैं ये 90 वाला प्रेफर कर रहा था, बट हुआ क्या, 90 वाले फोन को मैं खरीदने जा ही रहा था तब मुझे पता चला इसकी प्राइस हो गई 55,000, मतलब सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की प्राइस कम हो गई। अब मैं और ज्यादा अट्रैक्ट हो गया, देखो वैसे भी ऑलरेडी मैं 15,000 महंगा फोन खरीदने के लिए रेडी था, बट अब अगर मैं देखूं तो वही 75 वाला फोन 55 में मिल रहा है, मतलब 20,000 और सस्ता हो गया, द डिफरेंस इज 35,000, सो आई माइट गो एंड बाय द सेकंड फोन, एंड द डिमांड ऑफ फर्स्ट फोन इज गोइंग डाउन जस्ट बिकॉज द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैज गॉन डाउन। फिर नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंजेस ऑफ प्राइसेस और शॉर्टेजेस, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में शॉर्टेजेस होने वाले हैं तो जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेगी लोग और ज्यादा खरीदेंगे उस प्रोडक्ट को। अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की शॉर्टेज होने वाली है तो आप इमीडिएटली लाइन लगा के उसे खरीदोगे, जैसे जैसे आप खरीदोगे लोग भी आएंगे, मतलब उसकी प्राइसेस बढ़ते हुए भी उसकी डिमांड बढ़ेगी बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में शॉर्टेजेस होने वाले हैं, या उसकी प्राइस थोड़ी कम हुई लोगों को लग रहा है और ज्यादा कम होने वाली है, इसीलिए जब प्राइस थोड़ी कम हुई तो डिमांड भी साथ में कम होने लग गई। नेक्स्ट इज देर शुड बी नो चेंज इन साइज एज और सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन, वैसे ही टाइप के लोग होने चाहिए जैसे पहले थे, समझा। यहाँ पे साइज ऑफ द पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ पीपल, देखो छोटा थोड़ा बहुत चेंज हम समझ सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रो हो रही है बट कम भी हो रही है, समझा यहाँ पे, बट बहुत ह्यूज चेंज अगर पॉपुलेशन में आ गया तो नेचुरली डिमांड चेंज हो जाएगी। आप बड़ी सिटी में कभी घूमने जाओ आपको खुद को दिखेगा वहां पे ऑटो रिक्शा ज्यादा होंगी, वहां पे बसेस ज्यादा होंगी, वहां पे रेस्टोरेंट्स ज्यादा होंगे, स्कूल्स ज्यादा होंगे, ठीक है, थिएटर्स मूवी थिएटर्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे ज्यादा होता है, जो कि 50 साल पहले उस बड़ी सिटी में इतने स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, समझा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वहाँ पे डिमांड नेचुरली बढ़ गया, इवन दो द प्राइसेस मे नॉट हैव चेंज। एक एग्जाम्पल देता हूँ, कोई भी बड़ी सिटी ले लो, सपोज उसकी पॉपुलेशन 20 साल पहले उस बड़ी सिटी की पॉपुलेशन 60 लाख थी, आज उस सिटी की पॉपुलेशन 1 करोड़ हो गई है। पहले 60 लाख लोग रहते थे, आज उसमें 1 करोड़ लोग रहते हैं, तो लॉजिकली ऑब्वियसली 40 लाख लोग ज्यादा है तो डिमांड तो बढ़ेगी चीजों की, लोगों को घर गाड़ी खाना पीना सब ज्यादा लगेगा ना। कॉम्पोजिशन चेंज हुआ है, एज कॉम्पोजिशन, समझा सर, पॉपुलेशन उतनी है, पहले भी 50 लाख लोग थे आज भी 50 लाख लोग है, पहले 50 लाख लोगों में से आधे लोग यंग थे आधे लोग बूढ़े थे, अब 50 लाख लोगों में से 70% लोग बूढ़े हैं और सिर्फ 30% लोग यंग है, तो एज कॉम्पोजिशन भी चेंज हुआ तो डिमांड चेंज हो जाएगी। सेक्स रेशियो भी चेंज हुआ क्योंकि लड़के और लड़कियां जो चीजों की डिमांड करती है वो काफी डिफरेंट होता है। गर्ल्स वांट थिंग्स, जैसे कपड़ों का एग्जांपल ले लो, गर्ल्स जो कपड़े पहनती है बॉयज डिमांड नहीं करते, बॉयज जो कपड़े पहनते गर्ल्स डिमांड नहीं करती। कॉस्मेटिक्स ले लो, गर्ल्स को जो कॉस्मेटिक्स चाहिए बॉयज को चाहिए ही नहीं, समझा। तो अगर किसी एरिया में गर्ल्स का क्वांटिटी बढ़ गया ना, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया इट गोज बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट, तो नेचुरली वहां पे कॉस्मेटिक्स की शॉप ज्यादा चलेगी। नो चेंज इन द रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स, अगर मेरे पास ऑप्शंस बढ़ गए ना तो नेचुरली कुछ चीजों की डिमांड कम हो जाएगी, इवन दो देयर प्राइसेस हैव नॉट गॉन डाउन, इसलिए इन्होंने बोला है कि ना रेंज अवेलेबल होनी चाहिए। नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, लोगों की देखो इनकम भी सेम है
और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने कोई बैन वैन नहीं ला दिया किसी चीज को, किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रही है, अगर गवर्नमेंट किसी चीज को प्रमोट करेगी तो नेचुरली उसकी डिमांड बढ़ने लग जाएगी, एंड नो चेंज इन वेदर कंडीशंस। अब बातें हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। सो हेलो बच्चों, आज अब यहां से हमारा आज का पार्ट शुरू हो रहा है, तो अब यहां से आ गया आपका ध्यान, एक्सपेक्टेड है मुझे। हमने तीन दो चीजें अब तक पढ़ ली, लॉ ऑफ डिमांड एंड अजम्पशंस टू दैट लॉ। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है बच्चों? What did law of demand tell? Law of demand said that demand of a product is a function of what? Is a function of its price. इसका मतलब कि सर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड उसकी प्राइस पे डिपेंड करती है, हाँ या ना? यस सर, प्राइस पे डिपेंड करती है। किस और लॉ क्या बोलता है? अच्छा, लॉ क्या बोलता है कि अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो डिमांड नीचे आएगी। लॉ बोलता है अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस ऊपर जा रही है तो डिमांड नीचे आ रही है, और अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस नीचे जाएगी तो डिमांड ऊपर जाएगी। रेड वाला सेम रिलेशन है, ग्रीन वाला भी सेम रिलेशन है। ग्रीन वाला क्या बोलता है? प्राइस ऊपर जाएगी तो डिमांड नीचे आएगी। रेड वाला बोलता है प्राइस नीचे जाएगी तो डिमांड ऊपर आएगी। दिस इज द लॉ, एंड लॉ हमेशा जनरल होता है। जनरल का मतलब एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशंस। तो ये लॉ हर एक प्रोडक्ट को अप्लाई होना चाहिए, ये लॉ हर एक प्रोडक्ट को अप्लाई होना चाहिए। क्या लॉ? कि सर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम हो जानी चाहिए, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़नी चाहिए। बट इन दिस केस आगे वाले जो हम लोग चीजें देखने वाले हैं, ये एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड है। एक्सेप्शंस मतलब सिचुएशंस व्हिच डू नॉट फॉलो द लॉ। मैं आपको लॉ के बारे में और क्या बताऊं, आपको डीजे सर इतना कुछ समझा देते हैं लॉ के बारे में, तो ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आपको डीजे सर ने बताया ही है कि व्हाट डू मीन बाय एक्सेप्शंस। ठीक है, लॉ के बारे में तो डीजे सर से बेटर आपको कोई बता नहीं सकता है। सो सिचुएशंस व्हिच डू नॉट फॉलो द लॉ, ऊपर वाला लॉ क्या है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। एक्सेप्शंस में क्या होगा? एक्सेप्शंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक्सेप्शंस में ये रूल फॉलो नहीं होगा, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है तो हो सकता है उसकी डिमांड बढ़ रही है, या किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो रही है और उसकी डिमांड भी कम हो रही है। लॉजिकली बताओ, कोई चीज पहले 50 रुपए की मिल रही थी तब मैं 1 किलो खरीद रहा था, अब वो चीज 20 रुपए की मिल रही है तो मैं आधा किलो खरीद रहा हूं। थिंक ऑफ इट, 1 किलो नहीं, मैं आधा किलो खरीद रहा हूं, मतलब उसकी प्राइस कम हुई। वो जब सस्ता हुआ तो मैंने उसको खरीदना कम कर दिया। दिस इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। सर प्राइस क्या हुई? प्राइस 50 से गिर के, प्राइस कहां से गिर के कहां पहुंच गई बच्चों? प्राइस 50 से गिर के 20 पे आ गई। प्राइस 50 से गिर के कहां पे आ गई बच्चों? 20 पे। प्राइस 50 से गिर के 20 पे आ गई। और डिमांड के साथ क्या हुआ? प्राइस गिर के 50 से 20 पे आ गई और डिमांड के साथ क्या हो गया? डिमांड 1 kg से गिर के 500 grams पे आ गई। ऐसे गुड्स होते हैं जो डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। या उल्टा एग्जांपल लेते हैं, कोई प्रोडक्ट था पहले 1 lakh rupees का मिलता था, तब उसकी जनरल डिमांड इन द मार्केट, जब उसकी प्राइस पर यूनिट 1 lakh rupees की प्राइस थी, तब उसकी डिमांड होती थी 4000 units every month। और अब क्या हुआ, उस प्रोडक्ट की प्राइस हो गई 1.2 lakhs और उसकी मंथली डिमांड बढ़ के हो गई 4500 units per month। समझा यहाँ पे? मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, एक ऐसा कमोडिटी जिसके साथ क्या हुआ बच्चों, जिसकी प्राइस बढ़ने पे उसके साथ क्या हो गया, उसकी डिमांड बढ़ गई। ऐसे आर्टिकल्स भी होते हैं मार्केट में, इन दोनों को समझो। पहला एग्जांपल मैंने क्या दिया, कोई ऐसी चीज जो सस्ती होने के बाद लोगों ने खरीदना छोड़ दिया। दूसरा एग्जांपल मैंने दिया, कोई ऐसी चीज जो और महंगी हो गई तो लोग और ज्यादा खरीद रहे हैं।
समझा। तो पहला एग्जाम्पल इज द केस ऑफ गिफिन गुड्स, जिफिन बिफन नहीं होता वो, ओके, इट इज गिफिन गुड्स। अब गिफिन ये एक अंकल का नाम था, कौन अंकल थे वो, अंकल थे सर रॉबर्ट गिफिन, ठीक है। सर रॉबर्ट गिफिन भी कोई बात नहीं समझ में आती, अपने यहाँ पे भी ये सारी चीजें होती है, बट अपने यहाँ के लोगों का इतना ध्यान नहीं जाता इन सब चीजों पे। रॉबर्ट गिफिन सर मस्त एक दिन बैठे थे, पता नहीं क्या मूड था उनका, उन्होंने ऐसे ही नोटिस किया कि यार ये जो कुछ इंफीरियर गुड्स है ना सर, इंफीरियर गुड्स मतलब गंदे गंदे गुड्स नहीं, ऐसे गुड्स जो बेसिकली सर्वाइवल वगैरह के लिए यूज करते हैं लोग, बट हाई क्वालिटी नहीं होते, समझा, शो ऑफ वाले गुड्स नहीं होते हैं। तो सर रॉबर्ट गिफिन एक दिन ऐसा मस्त मार्केट में बैठे थे किसको तो भी देखते हुए, और अचानक उनका ध्यान चला गया कि इंफीरियर गुड्स पे। इंफीरियर गुड्स का बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे नीचे दिया है, ब्रेड राइस व्हीट। अब आप ही सोचो, राइस और व्हीट क्या हमारे लिए सच में इंफीरियर है क्या? नहीं, वो तो हमारा स्टेपल डाइट है सर, स्टेपल डाइट, हाँ हम रोज खाते हैं ना। हाफ ऑफ द इंडिया ईट्स व्हीट एज द यू नो मेन फूड सोर्स और मेन फूड, एंड हाफ ऑफ द इंडिया ईट्स राइस। आपको पता होगा नहीं होगा, बट राइस और व्हीट ही हमारा स्टेपल डाइट है, मतलब पता होगा तो ये तो पता है आपको, बट पूरी दुनिया इंडिया में आधे लोगों का व्हीट तो आधे लोगों का राइस, ये क्या है, स्टेपल डाइट है, रोज खाते हैं। अब इन्हें इंफीरियर गुड्स बोला है सर, इंफीरियर मतलब गंदी क्वालिटी के नहीं। बच्चों ये गुड्स ऐसे होते हैं ना जो हमारी लिस्ट में कोई बहुत ऊपर नहीं होते, राइस व्हीट ये सारे ऐसे गुड्स है जो हम हमेशा खरीद के लाएंगे, बट ना इसकी ब्रांड पे ज्यादा ध्यान देते हैं हम लोग। एक बात बताओ, कभी आपको मम्मी ने व्हीट खरीदने भेज दिया कि जा बेटा गेहूं लेके आ, आई होप यू नो व्हीट को इंग्लिश में, हिंदी में गेहूं बोलते हैं, राइट? तो मेरी मम्मी ने बोला जा बेटा गेहूं लेके आ, सॉरी आपको, मेरे को नहीं बोला, मैं ऐसा नहीं करता। अब आप ठहरे, आपके पापा मम्मी ने आपको सब कुछ दिया है, एक महंगा सा आईफोन लेके दे दिया, आईपैड लेके दे दिया, महंगी गाड़ी लेके दे दी, जो चाहिए सब दिया, फुल ब्रांडेड हो आप ऊपर से नीचे तक, ठीक है, ऊपर से नीचे तक आप ब्रांडेड हो। मम्मी ने बोला जा बेटा गेहूं लेके आ, आप गेहूं लेने के लिए मार्केट में चले गए, गेहूं लेने के लिए आप मार्केट में चले गए और अंकल को बोल रहे हो अंकल ब्रांडेड गेहूं दिखाना, अंकल बोलेंगे बेटा कहां से आए हो, वही वापस चले जाओ, ब्रांडेड गेहूं क्या होता है, समझा, गेहूं में कोई ब्रांड नहीं होता, क्योंकि लोग इन चीजों की ब्रांड वैंड वो सब नहीं देखते, समझा। यहाँ पे ये चीजें इंफीरियर इसलिए बोली जाती है क्योंकि इनके लिए कोई स्पेशल ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं, मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, ये चीजें लोग वैसे भी खरीदते हैं, जनरली ये उनके डेली लाइफ का पार्ट होता है, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, समझा। यहाँ पे तो ये गुड्स खरीदते वक्त जनरली इनकी क्वालिटी भी कोई बहुत भारी नहीं होती। एक बात बताओ, राइस और व्हीट में ऐसा मत समझना कि राइस और व्हीट में बहुत महंगे वाले राइस भी आते होंगे, बहुत महंगे वाले राइस, बट जनरली बहुत कम लोग वो बहुत महंगा राइस खरीदते होंगे। आपको पता है कि पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, राइस जनरली 40-50 रुपीस पर केजी के रेंज में मिल जाता है, व्हीट 20-30 रुपीस केजी के रेंज में मिलता है। बहुत भारी व्हीट लेने चले गए ना, आपको 35-40 के ऊपर नहीं मिलेगा, बहुत भारी राइस 100 रुपीस केजी के ऊपर नहीं मिलेगा, और उसके भारी आपको अगर कोई आके बोलता ना मैं तुझे 10,000 रुपए किलो वाला राइस खिलाऊंगा, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर किसी ने आपको बोला 10,000 रुपए किलो वाला राइस खिलाऊंगा, एक तो वो झूठ बोल रहा है, और अगर वो सच भी बोल रहा है तो ऐसा राइस बहुत कम क्वांटिटी में बनता है, जो हमारे जैसे कॉमन मैन के किसी काम का नहीं होता, हम कभी 10,000 रुपए किलो वाला राइस खाएंगे भी नहीं, समझा यहाँ पे। तो ये जनरली ऐसे गुड्स होते हैं, इंफीरियर गुड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनकी जिनको हम लोग डेली यूज करते हैं, और इनकी केस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता, इनकी प्राइसेस जब गिर जाती है, ठीक है, तो क्वाइट ऑफन लेस क्वांटिटी विल बी परचेज्ड देन बिफोर बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इनकम इफेक्ट एंड पीपल्स इंक्रीजिंग प्रेफरेंसेस फॉर अ सुपीरियर कमोडिटी इन देयर विद द राइज इन देयर रियल इनकम। बच्चों रियल इनकम का मतलब क्या होता है, रियल इनकम मतलब देखो, वैसे अगर एक एग्जाम्पल देता हूं, सिंपल सी एग्जाम्पल समझो, मेरी इनकम 50,000 रुपए है और आज मेरा खर्चा 40,000 रुपए है, ठीक है, एक दिन मेरा सैलरी बढ़ के हो गया 2,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, तो मेरी इनकम 50,000 से 1,00,000 हो गई, और मेरा पहले खर्चा होता था 40,000। देखो अगर मेरी इनकम बढ़ी है, महंगाई बढ़ गई है, प्राइसेस भी बढ़ गई है, अब ऐसा हो रहा है कि पहले मैं 50,000 अर्न करता था और मेरा सारा खर्चा 40,000 में हो जाता था, तो मेरे पास 10,000 बच जाते थे। अब मेरी इनकम 1,00,000 हो गई और हो सकता है मेरे पास सेविंग्स कुछ बची नहीं, तो इनकम दिखने के लिए डबल हो गई बट रियल में मेरी कोई इनकम ही नहीं हुई,
क्योंकि महंगाई भी इतनी बढ़ गई, देखो इधर सैलरी बढ़ी तो उधर महंगाई भी बढ़ेगी, ये हमेशा याद रखना इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है। अगर मेरी सैलरी बढ़ रही है, मेरी अकेले की नहीं, इन जनरल अगर पूरे इंडिया में मैक्सिमम लोगों की सैलरीज बढ़ गई तो समझ जाओ कि इन्फ्लेशन आ जाएगा और प्राइसेस भी बढ़ जाएगी। तो वैसे तो दिखने के लिए मेरी सैलरी डबल हुई, बट रियल इनकम मुझे जीरो हुई, उल्टा मेरी तो नेगेटिव इनकम हो गई। सर पहले तो भी 10,000 बचते थे 50,000 कमा के, अब तो 1 लाख कमा के भी 5,000 नहीं बच रहे, समझा यहाँ पे। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू से इज, ये ऐसे गुड्स होते हैं कि अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं इन गुड्स को खरीदना कम कर दूंगा, समझा यहाँ पे। और इसका एक नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है आपके गुड्स पे, गिफिन गुड्स का आपके इन आपका सॉरी गिफिन गुड्स के ऊपर नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब है व्हेन इनकम गोज अप द डिमांड फॉर दीज प्राइस प्रोडक्ट्स विल गो डाउन, क्योंकि जब आप पैसा ज्यादा कमाओगे ना, आप बेटर क्वालिटी गुड्स के पीछे भागोगे। तो इंफीरियर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी कोई ज्यादा क्वालिटी मैटर नहीं करती। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राइस वीट और ब्रेड भंगार होते हैं या खराब होते हैं, ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि इनमें कोई बहुत ग्रेट क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे नहीं आपको। राइस मिल मिल के दो चार वैरायटी के मिलेंगे, सब मिलके 100 रुपए के अंदर के आते हैं। वीट तो 25-30 रुपए किलो से ऊपर मिलना नहीं है आपको, पूरे कहीं पे भी चले जाओ। तो इन गुड्स में ज्यादा कोई क्वांटिटी क्वालिटी का फर्क होता नहीं है, सारे एक जैसे होते हैं, ये इंफीरियर गुड्स होते हैं। और जिस दिन हम लोग और पैसे कमाएंगे, इन गुड्स को ज्यादा नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अब हमारे पास पैसे तो हम अच्छे गुड्स खरीदेंगे, समझा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। स्नॉब अपील मतलब हवा हवा करनी है मुझे। कुछ गुड्स मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए थे, पहला एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया था, कुछ कमोडिटीज जिनकी प्राइसेस कम हो जाएगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी, गिफिन गुड्स। कुछ कमोडिटीज दे ऑल्सो आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील, ये भी वो प्रोडक्ट्स है जो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करते, मतलब इनका प्राइस और डिमांड सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। सर सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा मतलब इनकी प्राइस बढ़ेगी तो इनकी डिमांड भी बढ़ेगी, और इनकी प्राइस कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। जनरली हम प्राइस कम की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बट हाँ यहाँ पे कर भी सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, कोई भी लेटेस्ट गैजेट ले लो, जैसे एप्पल का आईफोन, सब लोग इसी का एग्जाम्पल देते होंगे, बट मुझे तो बहुत पसंद है ये। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लो एप्पल का आईफोन, क्यों लेते हैं लोग आईफोन मुझे नहीं पता। अगर मैं किसी को पूछूंगा कि बेटा तूने आईफोन क्यों लिया, या अंकल आंटी आपने आईफोन क्यों लिया, तो मुझे बोलेंगे यार गरीबों वाले सवाल गरीबों को पूछा कर, मुझे मत पूछ, आईफोन आईफोन होता है। इफ आई आस्क एनीवन व्हाई यू हैव बॉट एन आईफोन, दे विल टेल मी आईफोन आईफोन होता है, क्योंकि उनको पता है इस गरीब को समझाने में कोई मतलब नहीं है कि आईफोन में क्या फीचर्स है क्या नहीं है। एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो इसको इस मैं ये नहीं बोल रहा एंड्रॉइड यूजर्स गरीब होते हैं, कुछ एंड्रॉइड फोन आईफोन जितने ही महंगे होते हैं, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आईफोन इज अ गुड फोन, इट्स अ कॉस्टली फोन एंड मेनी ऑफ देम बाय इट बिकॉज इट इज एक्चुअली यूजफुल। बहुत लोग उसे इसीलिए भी बाई करते हैं क्योंकि वो यूजफुल है, ना हैंग होता है, ना लैग होता है, ना कुछ होता है उसपे, फीचर्स अच्छे हैं, ब्ला 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 ब्ला। बट अल्टीमेटली आपको मुझे सबको पता है कि 90% से ज्यादा लोग आईफोन एक ही चीज के लिए खरीदते हैं, टू शो इट ऑफ कि मेरे पास क्या है आईफोन। लोगों को लगता है मैं जेब में आईफोन लेके घूमेगा तो मुझे लड़की पड़ जाएगी, क्या बात है बेटा, मतलब जब तक तेरे जेब में आईफोन है वो तुझे पड़ जाएगी, तुझसे महंगा वाला आईफोन किसी ने ले लिया तो। गर्ल्स आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसी हो, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को लगता है ऐसा कि अरे मेरे पास आईफोन होगा तो मेरे को लड़की पड़ जाएगी। आजकल लड़कियां ही ज्यादा आईफोन लेके घूमती है, अब क्या करे, समझा। हाँ, जो लड़की आईफोन लेके घूमती है, लड़का बोलता है जाने दो इसके पास जाना ही नहीं हमें। बट ट्राई अंडरस्टैंड, आईफोन जैसा प्रोडक्ट जनरली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शो ऑफ के लिए ही खरीदा जाता है, इट इज यूजफुल एंड ऑल, बट मोस्ट ऑफ द पीपल बाय इट टू शो इट ऑफ कि सी आई कैन बाय अ फोन विच इज वर्थ 1 लाख रुपीज प्लस। अभी नए वाले आईफोन तो बहुत महंगे आए, 13 जो आया है, तो ये आर्टिकल क्यों खरीदा जाता है, शो ऑफ के लिए। स्नॉब अपील मतलब प्रेस्टीज गुड्स है ये, तो जितना महंगा उतना आपका प्रेस्टीज बढ़ेगा मार्केट में। इसीलिए जो महंगे ब्रांड्स होते हैं ना, लग्जरी प्रोडक्ट्स, तो गिफिन गुड्स अगर इंफीरियर प्रोडक्ट्स के लिए आप लेके, गिफिन गुड्स हम इंफीरियर प्रोडक्ट्स को बोल रहे हैं, तो स्नॉब अपील लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए होता है, समझा। अब एक और एग्जांपल देता हूं। आप कहीं घूमने चले गए और वहां पे आपने एक छोटी सी होटल बुक कर ली, 1,000 रुपये एक रात का किराया है, होटल के रूम का रेंट एक रात का 1,000 रुपीज है, और आपने वो होटल रूम बुक कर ली, आप उसकी फोटो तक नहीं डालोगे इंस्टाग्राम पे। वही गलती से एक दिन ऐसा हुआ, गलती से नहीं सॉरी,
एक दिन ऐसा हुआ कि आप सीएस बनने के बाद आपकी अच्छी जॉब लगी और आपने एक दिन एक बहुत बड़ी 5-स्टार होटल की एक बहुत महंगी रूम बुक की। 20,000 रुपए एक रात का किराया है। आप एंट्री से लेके अंदर तक सारे फोटोज डालोगे इंस्टाग्राम पे, एक साथ नहीं डालोगे, दिखावा नहीं करोगे, बट आप नहीं कुछ तो चेक इन तो डाल ही दोगे कि मैंने यहाँ चेक इन किया। वो चेक इन नहीं डाला तो एटलीस्ट हम फोटो डाल देंगे रूम की, और लोग ऐसा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप उसमें ये लिखोगे कि मैं 5-स्टार होटल में रुकी हूँ या रुका हूँ, बट आप उसमें लोगों को ये जरूर दिखाओगे कि देखो मैंने इतना महंगा रूम बुक किया है। आप ऑब्वियसली बिल का फोटो नहीं डालोगे इंस्टाग्राम पे, बट आप लोगों को दिखाने की कोशिश करोगे। तो जनरली एक बात बताओ, अगर ट्रैवल करने जा रहे हो, सपोज घूमने चले गए तुम लोग सब, किधर भी जिधर जाना है उधर जाओ, प्लीज मुझे मत बोलो किधर जाना है, मैं थोड़ी लेके जा रहा हूँ, तुम लोगों को तुम्हारा तुम्हारा जाना है। तो आप कहीं घूमने चले गए और अगर आपने 1,000 रुपए वाली रूम की या 20,000 रुपए वाली रूम की, 90% ऑफ द टाइम्स आप सिर्फ सोने जाने वाले हो वहां पे, तो 20,000 वाली रूम की डिमांड क्यों होती है? क्योंकि वो रहने के साथ साथ, वहां सोने के साथ साथ लोगों को दिखावे के लिए भी वो रूम्स बाय की जाती है। तो ये जो आर्टिकल्स होते हैं, ये जितने महंगे उनकी डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये दिखावे के लिए ही लिए जाते हैं। तो हमने देखा एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड में पहला गिफन गुड्स, ये वो इंफीरियर गुड्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, मतलब लोगों की जब इनकम बढ़ जाती है तो लोग इन गुड्स को नहीं खरीदना चाहते हैं। समझा यहाँ पे? लोगों की इनकम बढ़ जाती है तो पीपल डू नॉट वॉन्ट टू बाई दीज गुड्स, दैट्स वाई एज द इनकम ऑफ द पीपल विल इंक्रीज द डिमांड फॉर दीज कमोडिटीज विल गो ऑन डिक्रीजिंग, इवन वेन द प्राइसेस आर फॉलिंग डिमांड विल ऑल्सो फॉल। Articles of snob appeal are actually goods which are expensive and are prestigious goods. These are bought to attract the people, and that is the reason when they are costlier, their demand will go on increasing. Jitna mehenga utni demand zyada. Next is speculation. Speculation ka matlab hai guess marna. Are wo mereko dekh rahi hai kya? Nahi wo mereko hi dekh rahi hai yaar. Ye guesswork. Wo dekh kidhar nahi rahi hai. Samjha? Ya fir ek ladki aayi smile karke chali gayi. आपको लग रहा है वो आपको स्माइल देके गई, आपका दोस्त बोल रहा है तेरे को देख के हंस के गई। स्पेक्यूलेशन गैस मारना। अब कभी कभी लोगों को क्या होता है, ये हमने ऊपर भी देख लिया, अजम्पशंस का ही एक पार्ट है। अजम्पशंस में हमने क्या देखा था, देर शुड बी नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंजेस इन प्राइसेस, बट अगर लोगों के दिमाग में स्पेक्यूलेशन है, लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है और ज्यादा, अभी प्राइस 100 रुपए है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है और 120 रुपए होने वाली है, तो 100 से जब वो 105 हो जाएगा ना, तभी भी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। 110 हुआ और डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को मालूम है यार 100 रुपए में मिल रहा था, 110 में अब भी हो गया, एटलीस्ट 110 में खरीद लेते हैं, वरना कल चल के 120 में खरीदना पड़ेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पेट्रोल। सर पेट्रोल में स्पेक्यूलेशन तो छोड़ ही दो, पेट्रोल में प्राइस राइज होने के बाद डिमांड कैसे बढ़ती है ये बताता हूं। सपोज अगर इन न्यूज आ गई, आप जिस किसी सिटी में हो वहां पे एक न्यूज आ गई कि आज रात 12 बजे से पेट्रोल 3 रुपए बढ़ने वाला है, ठीक है, तो इमीडिएटली लोग क्या करते हैं, लाइन लगा के पेट्रोल खरीदना शुरू कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज दे नो कि प्राइसेस आज से ज्यादा बढ़ जाएगी, तो जैसे जैसे बढ़ेगी हम लोग सस्ता तो खरीद लेते हैं ना, समझा, भले ही कल से महंगा मिल रहा है बट आने वाले डेज से तो सस्ता मिल जाएगा। So when people speculate about changes in the price of a commodity in the future, they do not act according to the law of demand at the present price. Agar aapko future mein lag raha hai price aur badhne wali hai, to thodi badhne ke baad aap zyada buy karoge. So when people are convinced ki price of a particular commodity aur badhne wali hai, will still rise further, they will not contract their demand with the given price. Ulta wo log zyada khareedenge for the purpose of holding. Holding matlab? लेके रख लो, बाद में महंगा हो जाएगा तब काम आएगा। जैसे जब पैंडेमिक लगा था तो धीरे धीरे चीजों की प्राइसेस डे बाय डे बढ़ रही थी और लोग खरीदे जा रहे थे, यार कभी भी आगे वापस लॉकडाउन लग गया तो हमें मिलेगा नहीं, तो हम आज ही लेके रखते हैं। शॉर्टेजेस, कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस और इल्यूजन, अब ये भी एक एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड है। कुछ कंज्यूमर्स को लगता है महंगा वही अच्छा। When consumer is wrongly biased against the quality of the commodity with the price change, he may contract his demand with the falling price. Okay. दो examples देता हूँ। कुछ लोगों को लगता है महंगा मतलब अच्छा, तो वो और महंगा हो गया तो लोगों को लगता है ये और अच्छा है। कुछ लोगों को लगता है यार प्रोडक्ट सस्ता हो गया ना, तो इन्होंने कुछ तो गड़बड़ की रहेगी यार, इन्होंने उसकी क्वालिटी में खराब किया रहेगा उसको। कोई प्रोडक्ट था जो पहले 5,000 रुपए का मिल रहा था, मैं खरीदने ही वाला था कि मुझे पता चला वो 4,500 का हो गया। जैसे ही वो 4,500 का हुआ, मेरे दिमाग में कीड़ा आया कि यार
ये महंगा, ये सस्ता क्यों बेच रहे हैं? हो सकता है इन्होंने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया हो और इसीलिए मैं वो प्रोडक्ट ना खरीद। ओके, सो कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस और इल्यूजन, इल्यूजन दिखावा। कुछ लोगों को लगता है, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई तो उसकी क्वालिटी खराब हो गई, बट कुछ लोगों को लगता है। तो ये था पूरा हमारा लॉ ऑफ डिमांड, काफी शॉर्ट में दिया है आपकी बुक में। आज हम लोग अब बढ़ते हैं आगे लॉ ऑफ सप्लाई पे। सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लायर कौन होता है? जो गुड्स बेचने आया है मार्केट में। आपकी जिंदगी की बात करूं तो मम्मी पापा के तरफ देखने का, और जैसे ही मम्मी पापा की तरफ आपने देखा, आपको दिख जाएगा सप्लायर कौन है। आपकी लाइफ के सप्लायर इज योर पेरेंट्स और हुएवर इज योर गार्डियन। जरूरी नहीं है पेरेंट्स ही, कोई गार्डियंस भी हो सकते हैं जो आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। सो सप्लायर आपको कुछ ना कुछ दे रहे हैं और उसके बदले में आपसे कुछ रिटर्न चाहते हैं। एवरी एवरी सप्लायर वॉन्ट्स दैट। तो मार्केट में आने वाला सप्लायर क्या करता है? सप्लाई रिप्रेजेंट हाउ मच द मार्केट कैन ऑफर। तो मार्केट में आने वाला सप्लायर अपने गुड्स ऑफर करता है सेल करने के लिए। काय के लिए सेल कर रहा है वो? मजा रहा है उसको। ये तू क्या करता है? मैं सप्लाई करता है। क्यों करता है? बहुत मजा आता है मेरे को। ऐसा थोड़ी है, सप्लायर सप्लाई करता है पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने का। उसको उसके बीवी बच्चों का पेट भरना है, उसको उसके ड्रीम्स पूरे करने हैं, ठीक है। तो सप्लायर क्या करता है? कोई कमोडिटी खरीदता है 70 रुपए में और मार्केट में आके बेच देता है 100 रुपए में। जैसे मैंने बोला, पहले कंसेप्ट समझेंगे और फिर हम इसके ऊपर भी आगे पढ़ेंगे। तो सेम लॉ ऑफ डिमांड की तरह अब लॉ ऑफ सप्लाई भी बोलता है कि सप्लाई जो है ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पे। सप्लाई जो है ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पे। बट अब सप्लायर के केस में उल्टा है। देखो बच्चों, अब आप ही बताओ, आप मार्केट में कुछ खरीदने जा रहे हो तो आप आपके पैसे बचाना चाहते हो। अरे हाँ या ना? हाँ, आप मार्केट में कुछ खरीदने जा रहे हो तो आप आपके पैसे बचाना चाहते हो। आप आपके पैसे बचाना चाहते हो तो आप लॉजिकल, मैं अपने पैसे बचाना चाहता हूं तो मैं कंजूस मारवाड़ी, वेरी गुड, ठीक है। तो आप आपके पैसे बचाना चाहते हो इसीलिए सस्ता मिलेगा तो आप ज्यादा खरीदोगे। ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड कि सर प्राइस कम होगी ना हम ज्यादा बाय करेंगे, वेरी गुड। बट आप मैं सप्लायर हूं, मैं सप्लायर हूं, मैं मार्केट में गुड्स लेके आया हूं उन्हें बेचने के लिए। आई वॉन्ट टू सेल द गुड्स। और इस गुड्स को देखो, मेरे सुबह घर से निकला तो मेरे बच्चों ने मेरे मेरे को पकड़ लिया, राइट से एक, लेफ्ट से एक, हाथ एक ने पकड़ा, पैर एक ने पकड़ा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं, पता नहीं कितने, मैंने किने नहीं, सबने मुझे पकड़ लिया। पापा पापा, हमको आज चॉकलेट खानी है। मैंने बोला ओके, मैं मेलेडी लेके आ जाऊंगा। मैं बोला यार इतनी सारी 15-20 मेलेडीज 15-20 रुपए में काम हो जाएगा। बच्चों ने बोला नहीं, 200 रुपए वाली कैडबरी खानी है, हर एक बच्चे को खानी है। फिर मैंने गिने फाइनली कि अपने पास कितने बच्चे हैं, 15-20 बच्चे निकले। अब 200 रुपए का एक कैडबरी मांग रहे मुझसे। अब मेरे को बच्चों का मन तो रखना पड़ेगा और उसके लिए मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे। अब मैं जॉब तो करता हूं नहीं, तो मैं मार्केट में जा रहा हूँ गुड्स बेचने के लिए। समझा? कोई भी गुड्स हो, प्लीज, सब्जी वही बेचने जा रहा हूँ मैं, सब्जी बेच दूँ बस, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं जाके कोई गुड्स बेच रहा हूँ मार्केट में और ये गुड्स बेच के मुझे पैसा कमा के मेरे गरीब, सॉरी, मेरे भूखे बच्चों का पेट भरना है। तो मुझे तो प्रॉफिट कमाना है, यस और नो? और मुझे प्रॉफिट कमाने के लिए, मुझे महंगा बेचना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जस्ट इमेजिन दिस, सप्लायर जो आता है मार्केट में गुड्स बेचने आता है और गुड्स बेच के ही वॉन्ट्स टू अर्न प्रॉफिट, यस और नो? ठीक है, मार्केट में गुड्स बेच के उस बंदे को प्रॉफिट कमाना है। लेट अस अज्यूम उसने कोई प्रोडक्ट 70 रुपीज में खरीदा। प्लीज ध्यान दो, उसने कोई प्रोडक्ट 70 रुपीज में खरीदा। मार्केट में भाव 100 रुपीज चालू है। अगर मार्केट में भाव 100 रुपीज चालू है तो ही इज अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 30 रुपीज। बट वही अगर मार्केट में भाव 110 रुपए चालू है तो ही विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40 रुपीज। क्या अच्छा है, 30 रुपीज कमाना या 40 रुपीज? देखो प्रोडक्ट तो वही है, 70 रुपए जा चुके हैं जेब से,
70 की चीज 100 में बेचोगे तो 30 मिलेंगे, 70 की चीज 110 में बेचोगे तो 40 मिलेंगे। तो ऐसे केस में क्या होता है, सप्लायर क्या करता है, सप्लायर हमको पहले ही बताता है कि सर देखो मेरे पास आज 50,000 यूनिट्स है, मेरे पास आज 50,000 यूनिट्स है, अगर आप मुझे 200 रुपए पर यूनिट देते हो तो मैं पूरे 50 बेच देता हूं, अगर आप मुझे 200 पर यूनिट दोगे तो मैं पूरे 50,000 बेच दूंगा, अगर आप मुझे 150 पर यूनिट दोगे तो इस 50,000 में से आई एम रेडी, इधर ध्यान दो, इस 50,000 में से आई एम रेडी टू सेल ओनली 35,000 यूनिट्स। तो अब क्या हुआ, उसने, मैंने क्या बोला, सर देखो अगर 200 रुपए पर यूनिट दे रहे हो तो मैं 50,000 के 50,000 पूरे बेच के निकल जाऊं, तो मैं मार्केट में लेके तो आया 50,000 यूनिट्स, बट एट अ पर्टिकुलर प्राइस, फॉर एग्जाम्पल एट अ पर्टिकुलर प्राइस ऑफ ₹150, आई एम रेडी टू सेल ओनली एंड ओनली 35,000 यूनिट्स, एट अ प्राइस ऑफ 150 आई एम रेडी टू सेल ओनली 35,000 यूनिट्स, एंड इफ अगर मार्केट में सच में 150 रुपए प्राइस चालू है तो मैं 35,000 ही बेचने के लिए रेडी हूं, दिस इज द सप्लाई, मैं कितना लेके आया हूं मार्केट में, ये स्टॉक है, इस स्टॉक में से अभी की जो प्रिवेलिंग प्राइस है उस प्राइस पे मैं कितना बेचना चाहता हूं, कितना बेचना चाहता है, ठीक है, हम कितना बेचना चाहते हैं 35,000, ये होगा मेरा हमारा सप्लाई, ओके, ये होगा हमारा सप्लाई, समझा। तो लेट अस अज्यूम, एक और एग्जांपल दे देता हूं टू बी मोर क्लियर, सपोज मार्केट में जब 100 रुपीज पर यूनिट चालू है, भाव पर यूनिट चालू है, तब तो मैं सिर्फ 15,000 यूनिट ही बेचना चाहता हूं। सो इफ आई, देखो मैं लेके गया, मैं निकला गड्डी लेके 50,000 यूनिट डाल के, मार्केट में गया मस्त ठेला वेला सजा, मतलब मेरी दुकान खोली मैंने, मार्केट में देखा भाव 100 रुपए चालू है, तो 50,000 में से मैं 15,000 ही बेचूंगा, 15,000 बिक गए, मैं बोलूंगा, कोई आके भी पूछता है भैया माल है क्या, मैं बोलूंगा नहीं है भैया आगे बढ़ो मेरे को नहीं बेचने का आज, मैं सिर्फ 15,000 क्यों बेच रहे हो सर, बेटा कुछ तो कमा के जाऊंगा ना, समझा कि नहीं समझा, 15,000 तो बेच के जाऊंगा सर, फिर पूरे 50 क्यों नहीं बेच रहे हो, बेटा पूरे 50 बेच दूंगा 100 रुपए पे तो मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाएगा, मैं आज 15 बेच के निकल जाऊंगा, 35,000 यूनिट जो मेरे पास 35,000 बच गए होंगे, और जो भी बचे हुए यूनिट है वो घर लेके जाऊंगा, कल आके वापस बेच दूंगा ना, किसी और दिन जब भाव सही होगा उस दिन बेच दूंगा, आज का आने जाने का खर्चा और थोड़े प्रॉफिट के लिए 100 यूनिट बेच के निकल जाऊंगा। तो ये है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। वंस अगेन, लॉ ऑफ सप्लाई टॉक्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। लॉ ऑफ सप्लाई सेज कि जब जब प्राइस चेंज होगा तब तब सप्लाई चेंज होगा, और जिस डायरेक्शन में प्राइस चेंज होगा उसी ही डायरेक्शन में सप्लाई विल ऑल्सो चेंज। सो दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशन, डिमांड एंड प्राइस हैड एन इनवर्स रिलेशन, सप्लाई एंड प्राइस विल हैव अ डायरेक्ट रिलेशन, बिकॉज इफ यू थिंक फ्रॉम अ सप्लायर्स पॉइंट ऑफ व्यू ही वॉन्ट्स टू सेल मोर वेन द प्राइसेस आर मोर, समझा, ही वॉन्ट्स टू सेल मोर वेन द प्राइसेस आर मोर, जैसे 150 पे ही इज रेडी टू सेल 35,000 यूनिट्स, 100 पे ही इज रेडी टू सेल ओनली 15,000 यूनिट्स, ओके। अच्छा सर उसके पास जितना स्टॉक पड़ा है क्या वो सप्लाई है, नहीं बच्चों, उसके पास जो पड़ा है वो सप्लाई नहीं है, उसके पास जितना भी मटेरियल है उसमें से वो जितना बेचना चाहता है अभी एट अ पर्टिकुलर प्राइस, दैट इज सप्लाई। तो अगर हम सप्लाई कर्व की बात करें, आपको नहीं दिया है बट हम लोग तो बनाएंगे भैया कर्व, ये है हमारा एक्स वाई एक्सेस, ये है हमारा एक्स एक्सेस, अगर गौर से देखो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, सॉरी क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट। एक बात समझो बच्चों, जब प्राइस उसकी, सपोज लेट अस अज्यूम, जब प्राइस उसकी 100 थी तब वो बंदा कितने सप्लाई करने को रेडी था, कम सप्लाई करने को रेडी था, प्लीज ध्यान दो, जब प्राइस 100 थी तो 15,000 सप्लाई करने के लिए रेडी था, 35,000, ठीक है, और प्राइस जब 150 हो गई, प्राइस जब 150 हो गए तब वो 35,000 सप्लाई करने के लिए रेडी है। तो अगर आप गौर से देखोगे, गौर से प्लीज ध्यान दो, यहाँ पे आएगा एक पॉइंट 100 और 15 के बीच में, यहाँ पे आएगा दूसरा पॉइंट 150 और 350 के बीच में, और अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दू, अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दू, ठीक है समझ जाओ उसको,
अगर मैं, दिस इज मच बेटर, अब अगर आप गौर से देखोगे तो देखो यहां से यहां तक आता है ये कि सर 100 रुपये प्राइस है तो 15 रुपये और 150 प्राइस है तो 35,000 वो सेल करने के लिए रेडी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर शुरू होता है, ध्यान दो, व्हेन द प्राइस इज गोइंग अप द सप्लाई इज आल्सो इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड एज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये हमारा सप्लाई कर्व है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है, ये हमारा सप्लाई कर्व है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। क्यों अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है ये? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दैट वाज लॉ ऑफ सप्लाई, जस्ट एक रीडिंग। सो सप्लाई मतलब हाउ मच द मार्केट कैन ऑफर, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन, क्या बोला उन्होंने, क्वांटिटी सप्लाइड मीन्स व्हाट अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई व्हेन रिसीविंग अ सर्टेन प्राइस। हमेशा याद रखना, सप्लाई तब तक पता नहीं चलेगा जब तक प्राइस मालूम ना हो, सप्लाई तब तक पता नहीं चलेगा जब तक प्राइस पता ना हो। अगर मुझे प्राइस ही पता नहीं है मेरी कमोडिटी की, अगर मुझे मेरी कमोडिटी की प्राइस पता नहीं, तो मैं कैसे बताऊं मैं कितना सप्लाई करूंगा? आप पहले ये तो बताओ, एक एग्जांपल और देता हूं, एक एग्जांपल और देता हूं, ठीक है। मैं अगर कुछ खरीदने जाता हूं, अब उल्टा एग्जांपल है ये, इसीलिए ज्यादा सोचना मत, बट एक लॉजिकली सोचो। अगर मैं किसी के पास जाता हूँ, बोलता हूँ अंकल यार मुझे ना मोबाइल का भाव बताओ ना, एक मोबाइल की, सॉरी मोबाइल का भाव बताओ ना, अंकल ने बोला बेटा 50,000 का मोबाइल है। मैंने बोला देने का फाइनल भाव बोलो ना, कितने में दोगे? वो पूछे कि भैया लेना कितना है? मैं बोलूंगा अंकल मेरे को 50 मोबाइल लेने के, तो वो डिस्काउंट देने का सोच सकता है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, क्वांटिटी पता हो, प्राइस पता हो, तभी सब कुछ सप्लाई क्लियर हो सकता है कि मैं किस प्राइस पे कितना सप्लाई करने के लिए रेडी हूँ। इसलिए हमेशा याद रखो, लॉ ऑफ सप्लाई में सप्लाई का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास अवेलेबल कितना है। मेरे पास अवेलेबल 1 लाख यूनिट है, बट अभी जो प्राइस चालू है उस पे मैं सिर्फ और सिर्फ 20,000 यूनिट बेचना चाहता हूँ। तो वॉट एवर इज द प्राइस इन द मार्केट, उस पे अगर अभी के अभी मैं 20,000 यूनिट बेचने के लिए रेडी हो, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। द सप्लाई ऑफ अ गुड और सर्विस रिफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ दैट गुड और सर्विस दैट प्रोड्यूसर्स आर प्रिपेयर्ड टू ऑफर फॉर सेल एट अ सेट ऑफ प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने गुड्स बनाए हैं, वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे जितना क्वांटिटी बेचने के लिए रेडी है, दैट इज सप्लाई। तो सप्लाई मींस अ स्केड्यूल। स्केड्यूल का मतलब क्या होता है बच्चों? जो ऊपर हमने टेबल देखा ना, उसे सब उसको देखो, ये डिमांड स्केड्यूल है बच्चों, एक सेकंड रुक जाओ, ये है डिमांड स्केड्यूल। अलग अलग प्राइसेस पे कितनी डिमांड है, अगर यही मैं इसके आगे सप्लाई स्केड्यूल बना दू, प्लीज ध्यान दो, अगर इसके आगे सप्लाई स्केड्यूल बना दूं, तो याद रखना सप्लाई की केस में ज्यादा प्राइस पे हम ज्यादा सप्लाई करेंगे, ज्यादा प्राइस पे ज्यादा, जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है मेरा सप्लाई कम 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 होते जाएगा। अरे 8,000 हो गया, एक सेकेंड ना, ये इंपॉर्टेंट भी है, 600, 400, 200 एंड 0। So what does this mean? This means when the price is zero, when the price is zero, I am not ready to supply anything. पागल हो गया क्या? 0 रुपीस में मैं क्यों सप्लाई करूं? और मेरे पास जब 80 रुपए प्राइस हो जाएगा, तो आई एम रेडी टू सप्लाई 1600 यूनिट्स। मैक्सिमम सप्लाई में 80 रुपीस पे दूंगा, मिनिमम सप्लाई में 0 रुपीस पे दूंगा, उससे थोड़ा ज्यादा 10 पे, उससे थोड़ा ज्यादा 20 पे, उससे थोड़ा ज्यादा 30 पे। दिस इज अ सप्लाई स्केड्यूल। इस टेबल को बोला जाता है सप्लाई स्केड्यूल। इसमें ये पॉइंट याद रखना, इस पे ये पॉइंट याद रखना कि ये दोनों कहाँ मैच हो गए, 40 पे दोनों मैच हो गए कि लोग जितना डिमांड कर रहे हैं हम भी उतना सप्लाई करने के लिए रेडी है। इसको क्या बोलते हैं वो आपको भी पता है, बट हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे। मैंने सिर्फ क्या बोला, उस पॉइंट को याद रखना, ठीक है? चलो ओके, समझा? सो सप्लाई मीन्स अ स्केड्यूल ऑफ पॉसिबल प्राइसेस, क्या क्या प्राइसेस है और हर एक प्राइस पे कितना बेचना पॉसिबल है। सप्लाई इज नॉट द सेम कंसेप्ट एज स्टॉक, मैंने ये समझा दिया। मेरे पास स्टॉक ज्यादा हो सकता है, हाँ स्टॉक हमेशा ज्यादा या इक्वल टू सप्लाई होगा। सर इसका मतलब मेरे पास पड़े है 1 लाख यूनिट्स, मेरे पास पड़े है 1 लाख यूनिट्स, अभी जो प्राइस चालू है ना उस पे मैं इसमें से 80,000 बेचने के लिए रेडी हूँ, ओके। तो दिस इज सप्लाई, मेरे पास पड़े कितने हैं 1 लाख यूनिट्स, मैं बेचना कितना चाहता हूँ 80, तो जितने पड़े हैं उसे बोला जाता है स्टॉक, ठीक है? और जो बेचने के लिए रेडी हो उसे बोला जाता है सप्लाई।
अब मेरे को किसी ने बोला सर हम और प्राइस बढ़ा के देते हैं, कितना दोगे? मैंने बोला चल 90,000 यूनिट दे दूंगा। सर और प्राइस बढ़ा के देते हैं? मैं बोलूंगा 1,00,000 यूनिट दे दूंगा। उन्होंने बोला सर आपको हम 10 times प्राइस बढ़ा के देते हैं, हमें 10,00,000 यूनिट दो। मैं बोलूंगा सॉरी पॉसिबल नहीं है, मेरे पास स्टॉक ही 1,00,000 का है, तो मैं सप्लाई इससे ज्यादा कैसे करूं? समझा? तो स्टॉक और सप्लाई में फर्क होता है। सप्लाई इज नॉट द सेम कंसेप्ट एज द स्टॉक ऑफ समथिंग इन एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ऑफ कमोडिटी एक्स इन दिल्ली का मतलब है कि पूरे दिल्ली में आज कितना स्टॉक मौजूद है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का। बट अगर मार्केट में जाके फिर भी आपको शॉर्टेज नजर आ रही है, देन दैट इज शॉकिंग। सर शॉकिंग? हाँ सर, दिल्ली में कितना माल है? मैंने बोला बेटा 50 tons माल है। टन्स मतलब 1,000 kgs। मैंने बोला कि सर दिल्ली में 50 tons वीट अवेलेबल है। ओके दैट इज स्टॉक। बट सर मार्केट में शॉर्टेज है। शॉर्टेज मतलब सर मार्केट में मिल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइसेस कम है, तो जो सेलर है वो बोलते हैं सर हमको बेचना ही नहीं, बड़े बड़े सड़ने देंगे बट बेचेंगे नहीं क्योंकि प्राइसेस बहुत कम है। सो दिल्ली में, पूरी दिल्ली में वीट कितना है? 50 tons। बट अभी मार्केट में कितना मिल रहा है? 0। मतलब सप्लाई अभी कुछ भी नहीं है, बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी टू सेल इट एट द प्राइसेस ऑफर्ड। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि जितना भी स्टॉक पड़ा है किसी चीज का, उसे हम सप्लाई बोल दे, स्टॉक बोल देंगे, बट उसमें से जितना वो एक्चुअली बेचने के लिए रेडी है अभी एट दिस पर्टिकुलर प्राइस, उसे बोला जाएगा सप्लाई। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अ फर्म विल प्रोड्यूस एन ऑफर टू ग्रेटर क्वांटिटी, सेल ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस एज द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विस राइजेस। ये भी मालूम है हमें, जैसे जैसे किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ते जाएगी हम ज्यादा बेचेंगे, और प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन है, ये भी याद रखना। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में प्राइस जाएगी उसी डायरेक्शन में सप्लाई जाएगा। प्राइस ऊपर जा रही है सप्लाई ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे आ रही है सप्लाई नीचे जाएगा। देयर इज ग्रेटर इंसेंटिव। देखो अगर प्राइसेस हाई है ना तो प्रोड्यूसर बहुत खुश रहेगा। मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ 70 rupees में और बेच रहा हूँ 90 rupees में, आई एम अर्निंग 20 rupees। यही अगर प्राइस 110 हो गई, सर मैं बनाता तो अभी भी 70 में हूँ, बिकता 110 में, आई एम अर्निंग 40 rupees ऑन द सेम प्रोडक्ट। So I'll be more happy and I'll make more of that product. So there is greater incentive to produce or firms, to the producers or firms to produce and sell more. Higher prices pe hume zyada motivation milta hai goods banane ka. Other things mein kya kya aata hai? Dekho, product, jab main goods banata hu to usme kya kya kharcha lagta hai? Goods ko banane ka kharcha. Kabhi kabhi technology change ho gayi to mujhe update karne ke liye extra kharcha lagega. Theek hai, inputs, raw material ki prices agar badh gayi, या फिर लेबर की प्राइसेस बढ़ गई तो नेचुरली सप्लाई कम हो जाएगा। सिंपल है। मैं एक प्रोडक्ट बनाता था 70 rupees में, बेचता था 90 rupees में, ठीक है? अब मटेरियल लेबर सब महंगा हो गया, प्रोडक्ट बनता ही 90-95 rupees में। लोग बोल रहे हैं 90 में बेचो, मैं बोलूंगा भाई नहीं बेचने का मेरे को। समझा यहाँ पे? तो जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेगी ऑफ इनपुट्स एक्सेट्रा, कॉम्पिटिशन बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ाना पड़ता है कभी कभी। हाँ कॉम्पिटिशन बढ़ा तो प्राइसेस कम होने के बावजूद सप्लाई बढ़ाना पड़ता है, याद रखना ये। सर कंपटीशन बढ़ने के बाद प्राइसेस कम हो जाएगी? ऑब्वियसली यस। मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा था, अब मेरे जैसे 4 लोग ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो मुझे थोड़ा सस्ता तो बेचना पड़ेगा, तो कंपटीशन आ गई तो मुझे प्राइसेस कम करनी ही पड़ेगी और प्रोडक्ट को ज्यादा बनाना और सप्लाई भी करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? देखो कॉम्पिटिशन बढ़ने के बाद एक लॉजिक होता है, मेरा जितना ज्यादा दिखेगा प्रोडक्ट उतना ज्यादा बिकेगा। जब भी कोई मार्केट में जाता है उसको मेरा प्रोडक्ट ऑप्शन में नजर आ रहा है, किसी भी शॉप में गया तो मैगी का एग्जांपल है ये। आप कहीं पे भी जाओ, आपने आज डिसाइड किया कि मैगी की जगह कुछ नया लेके आते हैं, बट आप किसी भी शॉप में जाओ आपको मैगी 99% दिखी जाएगी, और एंड में आप कुछ नहीं मिला तो उसको चूज करके घर चले जाओगे। तो कंपटीशन बढ़ता है तो सप्लाई जनरली बढ़ाना पड़ता है। हमने अज्यूम किया था कि ये सब कॉन्स्टेंट है, ना कॉम्पिटिशन में चेंज हुआ है, ना इनपुट्स के प्राइसेस बढ़े हैं ना कम हुए हैं। देखो इनपुट्स के प्राइसेस बढ़ गए, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, लेबर महंगा हो गया, सप्लाई कम हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। फिर इसमें भी हमने सेटरिस पैरिबस का इस्तेमाल किया। सेटरिस पैरिबस मतलब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ना कंपटीशन का लेवल चेंज हुआ, ना नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, ना साइज ऑफ इंडस्ट्री। साइज ऑफ इंडस्ट्री मतलब क्या? पहले हमारे जो सब पूरा बिजनेस था वो छोटे लेवल पे चल रहा था, बढ़ गया तो नेचुरली सप्लाई बढ़ जाएगा। पहले हमारी छोटी फैक्ट्री थी, अमूल का एग्जाम्पल लो। अमूल इज अ वेरी गुड ब्रांड, बट अमूल पहले थोड़े छोटे स्केल पे काम करते थे। बच्चों डू यू नो ना द कंसेप्ट ऑफ अमूल? ठीक है, गुजरात में अमूल क्या करता है,
आसपास के विलेजर्स से मिल्क कलेक्ट करके पूरे इंडिया में मिल्क प्रोडक्ट्स बेचते थे। प्रॉब्लम ये था, मिल्क पहले कम कलेक्ट होता था क्योंकि कुछ ही गांव उसमें इन्वॉल्व थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, अमूल के साथ साथ बहुत बहुत सारे मिल्क फार्मर्स जुड़ गए और इतना इतना मिल्क आने लग गया कि अमूल एक्सपैंड होने लग गया। तो अमूल का सप्लाई नेचुरली बढ़ गया, इवन दो कोई प्राइसेस में चेंज नहीं भी आई तो भी अमूल का बिजनेस ही बढ़ गया, जिसकी वजह से उनका सप्लाई बढ़ गया। गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा, ठीक है, तो इस पे भी आया सेटरस पारिबस। सेटरस पारिबस अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है याद रखो, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सब अगर आप कॉन्स्टेंट रखो तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर वन, जब भी किसी भी गुड्स की प्राइस इंक्रीज होगी प्रोड्यूसर ज्यादा बेचने के लिए रेडी होगा, बिकॉज उसे सेम प्रोडक्ट पे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। समझा यहाँ पे, ठीक है। एंड द क्वांटिटी सप्लाइड इज रिलेटेड टू द स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल ओवर विच इट इज ऑफर्ड, ये भी याद रखना। क्वांटिटी सप्लाइड हमेशा उस टाइम इंटरवल पे के लिए ही होगी, ऐसा नहीं है। एक बात बताता हूँ, मैं अगर किसी के पास गया, उसको बोला सर इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उसने बोला 5,000 रुपीज, मैंने बोला ओके, मैं 6 महीने बाद जाके बोलता हूँ सर इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या, वो बोलता है 8,000, मैंने बोला अरे आपने तो 5,000 बोला था, उसने बोला भैया वो उस दिन की प्राइस थी, वो 2-4 दिन के लिए अवेलेबल थी, आप जिंदगी भर के लिए सेम प्राइस पे थोड़ी मांग सकते हो। थिंक ऑफ इट, कोई भी प्राइस जो होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए अवेलेबल होती है, ऑफर की जाती है, जिंदगी भर सेम प्राइसेस नहीं मिलने वाले हैं, समझा। सो द लॉ ऑफ सप्लाई इज अ माइक्रो इकोनॉमिक लॉ। माइक्रो इकोनॉमिक, यहाँ पे हम पूरे देश के बारे में बात नहीं करते, एक इंडिविजुअल बायर और एक इंडिविजुअल सेलर की बात करते हैं। हम एक इंडिविजुअल सेलर को पूछते हैं कि भाई अगर प्राइसेस बढ़े तो ज्यादा बढ़ने बनाएगा या कम बनाएगा, ज्यादा बेचेगा या कम बेचेगा, तो दैट इज स्टडिंग इंडिविजुअल्स ओवर हियर। सो सप्लाई और डिमांड में हम बायर्स और सेलर्स जैसे कॉमन मैन, सिंगल सिंगल मैन को चूज करते हैं, वो लोग क्या क्या डिसीजंस लेंगे इस पे डिस्कस करते हैं, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक लॉ है। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट सप्लायर्स ऑफर विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा, जब भी प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है। द लॉ ऑफ सप्लाई सेज दैट एज द प्राइस ऑफ एन आइटम गोज अप सप्लायर्स विल अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस अब 4-7 assumptions लॉ ऑफ सप्लाई के और मैं आपको छोड़ दूंगा। पहला assumption is there is no change in the state of technology। अब इधर ध्यान दो, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, प्लीज ध्यान दो, लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, मतलब डिमांड पूरी तरह से प्राइस पे डिपेंड करता है। और उनमें रिलेशन भी क्या बोला इसने कि अगर प्राइस ऊपर गई, सॉरी येलो नजर नहीं आएगा तुम लोगों को, अगर प्राइस ऊपर गई तो डिमांड भी ऊपर जाएगी। अब इस लॉ में उन्होंने बोला है कि डिमांड में जो भी चेंज आ रहा है, प्राइस की वजह से क्या क्या चेंज आ रहा है, हमें वो नोटिस करना है। हमें इस लॉ में ये स्टडी करना है कि प्राइस की वजह से डिमांड में क्या क्या चेंज आ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, लॉ ऑफ सप्लाई, आई एम सो सॉरी, वही बोलू, सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, वही बोलू मैं, किधर गड़बड़ हो गया, मेरे को दिख रहा है मैंने डिमांड लिखा है। तो प्राइस बढ़ता है बच्चों तो सप्लाई बढ़ता है। अब हम लोगों को ये लॉ में प्राइस का सप्लाई पे क्या इफेक्ट हो रहा है वो चेक करना है। सप्लाई दूसरे रीजन से भी बढ़ सकता है। मेरे पास पहले बहुत सारे वर्कर्स थे जो मैनुअल मशीन्स पे काम करते थे, मैनुअल मशीन्स, मैंने ऑटोमेटिक मशीनें लगा दी सारी की सारी, डोंट यू थिंक सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगा, भले ही मार्केट में प्राइस चेंज नहीं हुई, मैंने टेक्निक चेंज कर दी, तो जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आएगी सप्लाई बढ़ जाएगा। इसलिए इन्होंने बोला अज्यूम करो कि सप्लाई कोई टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आया, टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आया तो सप्लाई कब बढ़ता है, मतलब पहले जैसे बन रहा था, दिन के अगर 1,000 यूनिट बनते थे, आज भी दिन के 1,000 ही यूनिट बन रहे हैं, तो सप्लाई, मैं पहले भी 1,000 यूनिट बनाता था, आज भी 1,000 यूनिट बना रहा हूँ, बट सेल कितने करूंगा ये मैं प्राइस पे डिसाइड करता था। आज मैंने 1,000 यूनिट बनाए, मार्केट में प्राइस चालू है 100 रुपए, मैंने इसमें से 800 यूनिट्स बेच दिए। कल मैंने 1,000 यूनिट्स बनाए, मार्केट आज के 200 बच गया, मैंने आज 800 यूनिट्स बेचे, तो आज के 200 बच गए, मैंने कल फिर से 1,000 यूनिट बनाए, कल 1,000 यूनिट बनाए, मेरे पास आज के 200 पड़े, 1,200 यूनिट्स पड़े, प्राइस हो गई 900 रुपीज, प्राइस हो गई 90 रुपीज, तो अब मैं 800 यूनिट्स की जगह 900 यूनिट्स बेच दूंगा। मतलब अगर मैं टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं ला रहा हूं तो रोज उतने ही गुड्स बनेंगे जितने पहले भी बनते थे। सप्लाई तभी बढ़ेगा जब प्राइस बढ़ेगी, और सप्लाई कम हो जाएगा अगर प्राइस कम हो गई। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैन मशीन लेबर
किसी में चेंज नहीं आया। रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस थी वो भी सेम है, क्योंकि देखो रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। एक बात समझो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारी कॉस्ट है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारी कॉस्ट है। पहले हमें एक प्रोडक्ट बनाने को 75 लगता था, अब 95 लग रहा है, ठीक है। उसकी सेल्स प्राइस पहले थी 100, अभी भी अगर मैं 100 रखता हूं तो प्रॉफिट में क्या झोल हो गया। देखो पहले प्रॉफिट होता था 25, अब प्रॉफिट हो रहा है 5। अब एक बात बताओ, प्राइस सेम है, एक बात समझो, प्राइस पहले भी 100 रुपए थी, प्राइस अभी भी 100 रुपए है, ठीक है। पहले 100 रुपए का बेचा था तो 25 रुपए प्रॉफिट कमाता था, अब 100 रुपए का बेच रहा हूं तो 5 रुपए प्रॉफिट कमा रहा हूं। इसीलिए मैंने क्या किया, जब प्राइस 100 रुपए है बट मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो मैं सप्लाई कम कर दूंगा, क्योंकि सर मार्केट में प्राइस तो चेंज नहीं हुई, नहीं, फिर भी सप्लाई कम हो गया, हाँ क्योंकि मेरा प्रॉफिट कम हो गया। उन्होंने बोला सर बट हम तो प्राइस के बारे में पढ़ रहे ना, इसीलिए अज्यूम करो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस चेंज नहीं हुई, कॉस्ट चेंज नहीं हुई, क्योंकि कॉस्ट चेंज हुई तो भी सप्लाई चेंज हो जाएगा। इन्होंने बोला कॉस्ट का इंपैक्ट नहीं देखने का है हमें, हमें प्राइस, सेलिंग प्राइस का इंपैक्ट देखना है। देन देर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। पहले हम दो ही लोग गुड्स बेचते थे, पहले हम दो ही लोग थे जो गुड्स बेचते थे। मैं रोज 500 यूनिट बना के लेके आता था, मेरा कॉम्पिटिटर रोज 600 यूनिट बना के लेके आता था, टोटल मिलके 1100 यूनिट्स का सप्लाई था। अब आ गए उसमें और 4 लोग, और ऐसे हम 2 प्लस और 4 लोग आ गए, ऐसे टोटल 6 लोग आ गए। मेरा अभी भी सप्लाई 500 है, मेरा वो फर्स्ट कॉम्पिटिटर उसका भी अभी भी सप्लाई 500 है, बट ये चारों मिलके 2000 यूनिट्स, या फिर ये चारों मिलके 1000 यूनिट सप्लाई कर देते हैं। छोटे छोटे हैं बट चारों मिलके 1000 यूनिट सप्लाई करते हैं। अब सप्लाई 2100 यूनिट्स का हो गया, इवन दो देर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जस्ट बिकॉज देर आर मोर फर्म्स द प्राइस, सॉरी, जस्ट बिकॉज देर आर मोर फर्म्स व्हाट इज हैपनिंग, द सप्लाई इज इंक्रीजिंग। नो चेंज इन द गोल्स ऑफ द फर्म, फर्म के अपने गोल्स भी चेंज नहीं हुए, फर्म जिस काम को लेके बढ़ रहा था आज भी वही। अगर फर्म ने गोल चेंज कर दिया ना तो सप्लाई चेंज कर देगा, मतलब क्या, फर्म के दो ही गोल हो सकते हैं, सेल्स मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। याद रखो, सेल्स मैक्सिमाइजेशन या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दोनों कंपनीज बहुत अच्छे से चलती है बच्चों, याद रखना, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसमें बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं मैं ओप्पो और यहाँ पे एप्पल। बच्चों ओप्पो भी अच्छे फीचर्स देता है फोन में, एप्पल भी अच्छे फीचर्स देता है, बट याद रखो ओप्पो कम प्राइसेस पे भी ज्यादा बेचता है। ओप्पो सेल्स, ओप्पो बिलीव्स कि भैया ज्यादा बेच के मार्केट में नंबर वन बनो, एप्पल बोलता है कम बेचो बट हर एक में बहुत प्रॉफिट कमाओ। अब एक बात बताओ, एप्पल ने अगर अपना गोल चेंज कर दिया, एप्पल ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सेल्स मैक्सिमाइजेशन का गोल अगर सेट किया, एप्पल क्या करेगा, प्राइसेस को गिरा देगा और जितना डिस्काउंट दे सकता है देगा और ज्यादा सप्लाई करेगा। सेल्स मैक्सिमाइजेशन वाले क्या करते हैं, कम प्राइसेस पे ज्यादा सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि प्राइस कम होगी तब, समझा, जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले वैसा नहीं करते। तो अगर हमारी कंपनी का गोल ही चेंज हो गया, सेल्स मैक्सिमाइजेशन का गोल था पहले ओप्पो का, ओप्पो बोलता था ज्यादा से ज्यादा बेचो, समझा, ठीक है, प्राइसेस कम भी होगी तो भी ज्यादा बेचो। अगर ओप्पो ने बोला नहीं, अब हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के गोल पे जाएंगे, ब्रांड इमेज क्रिएट करेंगे, ओप्पो बोल रहा है नहीं, महंगा बेचो, कम बेचो महंगा बेचो, तो देखो नेचुरली सप्लाई चेंज हो जाएगा। इसीलिए इनके ऊपर कोई, इन्होंने अपना गोल बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। नो चेंज इन सेलर्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस। सेलर, सेलर मैं बेचने वाला हूँ, ठीक है, मैंने कोई प्रोडक्ट 70 रुपए में, मैंने कोई प्रोडक्ट 85 रुपीज में बनाया, ठीक है, और उसकी सेलिंग प्राइस 110 रुपीज है, ठीक है, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है और ये इसकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब क्या हुआ, मुझे अगर लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस 150 होने वाली तो मैं अभी बेचना ही बंद कर दूंगा, प्राइस 100 से 110 से 120 हो गई मैं कम बेच रहा हूँ, 120 से 130 हो गई मैं और कम बेच रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है यार मैं 120 130 में क्यों बेचू जब प्राइस 150 होने वाली है, समझा। तो जैसे जैसे तो क्या हो रहा है, प्राइस 110 से 120 चली गई, तो सप्लाई जो था, सप्लाई 500 यूनिट्स का था, वो बढ़ के 600 होना चाहिए था बट नहीं हुआ, मैंने इनफैक्ट सिर्फ 300 यूनिट्स ही सप्लाई किए। प्राइस बढ़ने के बाद भी सप्लाई कम हो गया क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड है कि प्राइस 500 तक जाने वाली, 150 तक जाने वाली है,
सो इसमें भी कोई चेंज नहीं होना, तो इसीलिए बोला है कि सेलर की कोई एक्सपेक्टेशंस या सेलर की कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। नो चेंज इन टैक्स एंड सब्सिडी पॉलिसीज, टैक्स एंड सब्सिडी पॉलिसीज। मैं कोई चीज 100 में बेचता हूँ, उस पर 20 रुपीज टैक्स लगता है, तो मेरा प्रोडक्ट की प्राइस हो जाती है 130। अगर मैं वही चीज अभी भी 100 में बेचता हूँ, सॉरी 120, अगर वही चीज अभी भी बेचता हूँ और इसकी टैक्स अभी 30 लग रहा है, तो ये 130 हो जाएगा। नेचुरली मैं कम बेचूंगा क्योंकि मेरा प्रोडक्ट महंगा हो गया, ठीक है, तो लोग कम खरीदेंगे, समझा यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे, या फिर मुझे, देखो सॉरी फॉरगेट दैट, मुझे टैक्स ज्यादा भरना पड़ रहा है, पहले मैं 20 भर रहा था, 30 भरना पड़ रहा है उसी चीज पे, मेरा तो लॉस हो रहा है ना, मेरा 10 रुपए का प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है। सब्सिडी की बात करते हैं, मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ 80 में, गवर्नमेंट उसमें से मुझे 20-30 रुपीज दे देती है, तो मुझे कॉस्ट उसकी 50 ही पड़ती है, समझा, कॉस्ट कम होना। अब क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट मुझे 40 रुपीज का सब्सिडी दे देती है, तो मेरी कॉस्ट प्राइस और नीचे आ गई, मैं ज्यादा बना के बेचूंगा। अब मार्केट में सेलिंग प्राइस उस प्रोडक्ट का अभी भी 100 रुपए चालू है, प्लीज ध्यान दो। मैं बनाता हूँ 80 में, गवर्नमेंट मुझे 30 रुपीज सब्सिडी देती है, तो मुझे 50 रुपीज जेब से डालने पड़ते हैं, और मैं 100 रुपीज उसकी सेलिंग प्राइस चालू है मार्केट में, ठीक है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सब्सिडी बढ़ा दिया, 30 की जगह 40 रुपीज सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट ने, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कम हो गया, मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा, इवन दो द प्राइसेस आर 100 रुपीज, प्राइस अभी भी 100 रुपए, फिर भी मैं सप्लाई बढ़ा रहा हूँ। क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरी सब्सिडी बढ़ गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसने बोला, इन्होंने बोला उस पर भी चेंज नहीं है, एंड नो चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, समझा, अदर गुड्स के प्राइसेस में भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। जो गुड्स मैं सप्लाई कर रहा हूँ ना, उनके कॉम्पिटिटर्स, मतलब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, मैं एक मोबाइल फोन बेच रहा हूँ, आप भी एक मोबाइल फोन बेच रहे हो, आपका मोबाइल फोन का प्राइस कम हो गया, तो नेचुरली क्या हो जाएगा, आपके मोबाइल प्राइस की डिमांड बढ़ने लग जाएगी, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे भी अपनी डिमांड बढ़ाने के लिए सप्लाई वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, समझा। सो ये सारे अजम्पशंस थे, ठीक है। सो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई में, कल हम लोग इक्विलिब्रियम पे जाके मार्केट और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह पे शिफ्ट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आई नो दिस कैन बी अ लिटिल डिफरेंट फॉर यू, बट डोंट वरी, टुमारो इज द लास्ट डे, आई प्रोमिस यू कि परसों से वी विल बी लाइव, आई विल बी इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विल बी एबल टू सी वॉट एवर आई एम टीचिंग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय एवरी वन।